क्लास 9th के प्रोज़ का माई चाइल्डहुड चैप्टर चल रहा था, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने फोर्थ पैराग्राफ तक का पढ़ लिया था, जिसमें वो अपने तीन मित्रों के बारे में बताते हैं कलाम जी, और ये भी बताते हैं कि बड़े होकर वो लोग क्या-क्या करने लगे। अब आगे, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडोल्स ऑफ राम ऑफ द लॉर्ड राम द टेम्पल टू द मैरिज साइट सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ विच वॉज नियर आर हाउस। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रेन इन आर फैमिली। एक वहाँ पे उत्सव होता है था जहाँ ये रहते थे कलाम जी बचपन में। वहाँ बताया है कि रामेश्वरम बहुत बड़ा तीर्थ है भगवान राम से जुड़ा, तुम लोगों ने देखा भी होगा तो रामायण में, वहाँ उन्होंने पूजा की थी, फिर उसके बाद लंका की ओर प्रस्थान किए थे। तो वहाँ कह रहे हैं कि सीताराम कल्याणम सेरेमनी, एक उत्सव होता था, उस उत्सव का नाम था सीताराम कल्याणम। तो वहाँ इस उत्सव में श्री राम के विवाह वाली वाला जो प्रसंग है उसका पूरा वो होता था निभा, जैसे तुम लोग रामलीला वगैरह में देखते हो राम सीता का विवाह होता है इस तरह से। तो कह रहे हैं जब ये वार्षिक उत्सव था, एनुअल था, साल भर में एक बार होता था, तो हमारी फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म। तो हमारे परिवार के लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि बोट तैयार करते थे, उस पर स्पेशल प्लेटफॉर्म यानी बहुत विशेष तरीके के सजा वजा कर फॉर कैरिंग आइडोल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम टेम्पल टू द मैरिज साइट, कि लॉर्ड यानी ईश्वर, एल कैपिटल है, लॉर्ड यानी मालिक या ईश्वर, तो उन ईश्वर की जो मूर्तियाँ होती थी, आइडोल्स यानी मूर्तियाँ, उनको ले जाने के लिए तैयार किया जाता था, और वो बोट से ले जाते थे मैरिज साइट यानी जहाँ पर विवाह होना रहता था वहाँ ले जाते थे। और ये विवाह कहाँ होता था, सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ। राम तीर्थ करके एक तालाब सरोवर है उसके बीच में, वहाँ ले जाना रहता था। तो ये हमारे परिवार के नाव में ये मूर्तियाँ जाती थीं ईश्वर की, विच वॉज नियर आर हाउस, और ये हमारे घर के पास थी ये जगह। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रेन इन आर फैमिली। हमारे परिवार के जो बच्चे थे रात में कहानियाँ सुनाते थे दादी नानी माएँ पहले, अब पता नहीं अब तुम लोग बचपन में कहानियाँ सुने कि नहीं सुने, अब वो परंपरा ही लुप्त होती जा रही है। अब मम्मी लोगों को समय नहीं, मोबाइल में लगी रहती हैं सब, ज़माना बदल गया। तो कह रहे हैं बचपन में हमारे यहाँ कहानियाँ जब सुनाई जाती थी तो हमारी दादी या माँ जो कहानी सुनाती तो रामायण से जुड़ी हुई कहानियाँ, और या तो प्रॉफिट यानी जो इस्लाम के जो प्रॉफिट थे पैगंबर थे उनसे जुड़ी कहानियाँ सुनाई जाती। तो कहानियाँ ज़्यादातर सुनने में रामायण महाभारत की कहानियाँ बड़ी अच्छी, बड़ी प्रेरक होती हैं, बच्चों को अच्छी भी लगती हैं, यही हर जगह सुनाई जाती है। वन डे व्हेन आई वॉज इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल अ न्यू टीचर केम टू आर क्लास। आई यूज टू वेयर अ कैप विच रिमार्क मी एज अ मुस्लिम एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामनाथ शास्त्री हु वोर द सैक्रेड थ्रेड। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामनाथ शास्त्री। ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग वेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। वन डे When I was in the fifth standard at the Rameswaram Elementary School, रामेश्वरम का एक एलिमेंट्री स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय था, वहाँ मैं 5वें स्टैंडर्ड में था, 5वीं कक्षा में पढ़ता था। A new teacher came to our class, हमारी कक्षा में एक नए अध्यापक आए। I used to wear a cap which marked me as a Muslim. तो बता रहे हैं कि मैं एक ऐसी टोपी लगाता था जिसको कि मुस्लिम लोग लगाते हैं अक्सर, वो जालीदार टोपी लगा के ओ रहते हैं, वो छोटे पैजामे ऐसे टांगे के ऊपर तो काफ़ी रहते हैं इस तरह के पोशाक को। तो बता रहे हैं कि यहाँ पोशाक तो नहीं पता चल रहा है क्या पहनते थे, लेकिन कह रहे हैं वो टोपी लगाए रहते थे। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो, और पहली रो में, पहली कतार जो होती है उसी में बैठते थे।
नेक्स्ट टू रामनाथ शास्त्री, रामनाथ शास्त्री के बगल में। रामनाथ शास्त्री बताया ही, पुजारी के बेटे थे, इनके मित्र थे। हु वोर द सैक्रेड थ्रेड, और रामनाथ शास्त्री जो है सैक्रेड थ्रेड यानी पवित्र धागा पहनते थे। पवित्र धागा मतलब जनेऊ, जनेऊ संस्कार होता है ना, ये हिंदू पहनते हैं, तो वो तो भाई पुजारी के बेटे थे तो वो पहने हुए थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रिस्ट सन सेटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, तो जो नए शिक्षक थे उन्हें यह बात सहन नहीं हुई उनसे कि एक पुजारी का, एक ब्राह्मण का पुत्र और एक मुस्लिम के साथ बैठा है। इन अकॉर्डेंस विद आर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, और हमारी जो सोशल रैंकिंग थी, जो सामाजिक क्रम था, तो उस हिसाब को ध्यान रखते हुए ही वो आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, मुझे कहा गया कि वहाँ से उठकर पीछे वाली बेंच पर बैठ जाएं। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामनाथ शास्त्री, तो मुझे भी बड़ी उदासी हुई और रामनाथ शास्त्री भी बड़े उदास हुए। ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, तो बहुत ज़्यादा रामनाथ शास्त्री इस बात से लज्जित हुए जब मुझे पिछली पिछली कतार में भेज दिया गया बैठने के लिए। तो जो मेरे मित्र रामनाथ शास्त्री थे वो बहुत इस बात से लज्जित हुए। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, तो वो रोए, रामनाथ शास्त्री रो पड़े और इसका मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा कि मेरा मित्र मेरे कारण से रो रहा है, मेरे लिए रो पड़ा कि मैं इस तरह की टोपी लगा के बैठता था, मुझे हटा के पीछे किया गया, तो मेरा मित्र रो पड़ा। ये मेरे ऊपर बड़ा इस बात का असर पड़ा, लास्टिंग इम्प्रेशन यानी देर तक रहने वाला असर, इस बात का बड़ा असर हुआ मेरे ऊपर। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर एंड इन आर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनियल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। ही ब्लंटली आस्क द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। तो घटना ये घट गई स्कूल में। फिर आफ्टर स्कूल वी वेंट होम, दोनों बच्चे अपने अपने घर गए एंड टोल्ड आर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। ये जो घटना हुई थी, इस घटना के बारे में अपने अपने माता पिता को बताया गया। तो लक्ष्मण शास्त्री यानी रामनाथ शास्त्री के पिता पुजारी जी, इन्होंने समन द टीचर, उस टीचर को बुलाया एंड इन आर प्रेजेंस, और हम लोगों के सामने ही, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। उन्होंने कहा कि देखो, ये जो विष है, कि सामाजिक अंतर का विष या धार्मिक भावना के हिसाब से जो विभाजन किया जाए, ऐसा विष बच्चों के कोमल मस्तिष्क में ना भरा जाए। ही ब्लंटली आस्क द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। उन्होंने कहा या तो आप क्षमा मांगिए, टीचर से कहा, और या तो विद्यालय और वो आइलैंड जो द्वीप था वो छोड़ दें। तो नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, शिक्षक ने अपने व्यवहार पे रिग्रेट यानी पश्चाताप व्यक्त किया, बट द स्ट्रांग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर। लेकिन जो विचारधारा जो लक्ष्मण शास्त्री ने व्यक्त किया था, प्रेम का, आपसी भाईचारे का, सौहार्द का, इससे वो जो युवा शिक्षक आए थे उनका मन भी बदल गया। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हाउ एवर माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्या अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिन विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, वॉज समथिंग ऑफ अ रेबल। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। अभी इस पैराग्राफ में वो अपने सबसे प्रिय शिक्षक के बारे में बता रहे हैं। हम सभी का जीवन
अच्छे गुरुओं से बनता है। हमें गुरु मिलते हैं तमाम प्रकार के, अच्छे गुरु यदि मिलते हैं तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। सभी लोग पढ़ते हैं, तुम लोगों के जीवन में भी सैकड़ों अध्यापक आए होंगे, बहुत ही कम ऐसे अध्यापक होते हैं जिनके प्रति हृदय से सम्मान निकलता है। मैं भी पढ़ता रहा स्कूलों में, तमाम टीचर्स मिलते रहे, लेकिन प्रभावित बहुत ही कम शिक्षकों से हुए। मुझे भी जीवन में एक दो बहुत अच्छे शिक्षक मिले। कहते हैं, ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कह रहे हैं, कुल मिला के अगर रामेश्वरम की सोसाइटी देखी जाए, बड़ी छोटा सा समाज था, बहुत ही कम जनसंख्या थी वहाँ की, लेकिन जो सामाजिक अलगाव था जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ये सारी भावनाएं बड़ी कठोर थीं। हावेवर माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिन विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, मेरे जो विज्ञान के अध्यापक थे, शिव सुब्रमण्य अय्यर उनका नाम था, और ये बहुत ही कर्मकांडी और कठोर रीति रिवाज को मानने वाले ब्राह्मण परिवार से थे, एंड कंजर्वेटिव वाइफ, और इनकी पत्नी भी बड़ी कंजर्वेटिव थी, यानी वो प्राचीन परंपराओं को, प्राचीन नियम कानून को बड़ा मानने वाली थी, वॉज समथिंग ऑफ अ रेबल। लेकिन ये थोड़े रेबल थे, थोड़े क्रांतिकारी टाइप के थे ये टीचर, ये इन चीज़ों को बहुत नहीं मानते थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स। उन्होंने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया कि जो समाज में जो ये बैरियर हैं, जो बंधन हैं, जो रोक टोक है, इसको तोड़ा जाए, सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली। तो जिससे लोग अलग अलग बैकग्राउंड्स के, अलग अलग सामाजिक स्तर के लोग आसानी से मिंगल यानी घुल मिल पाएँ, मिलना जुलना हो पाए। ही यूज़ टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, वो मेरे साथ घंटों बिताते थे और मुझसे कहते थे, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। कहते थे, कलाम मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे विकसित हो, इतना पढ़ लिख कर विकसित हो जाओ, इतना आगे बढ़ो कि बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़े विद्यालयों में लोग पढ़ के आगे जाते हैं, तुम उनके मुकाबले पर खड़े हो सको। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बींग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड, नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, बट इंस्टेड सर्व मी विद हिज ओन हैंड्स एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। आई वॉन्डर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। वेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, शिव सुब्रमण्य अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। उन्होंने भोजन के लिए मुझे आमंत्रित किया अपने घर, इनके गुरु जी ने अपने घर बुला लिया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बींग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। अब उनका बड़ा पवित्र किचन, ब्राह्मण थी, महिला बेचारी पूजा पाठ करती होगी, अब वो हॉरिफाइड बिल्कुल डर गई कि भाई एक मुस्लिम लड़का आया है घर में और किचन में खाना उस रसोई में खिलाना, चूंकि ये सब मांस वांस खाते हैं, मांस वांस में भी गाय भैंस का मांस ये सब भी खाते हैं। हालांकि कलाम जी का परिवार ऐसा था नहीं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं लोग, अक्सर तुम लोग देखते हो छपता अखबार में, गाय काटने के लिए ले जा रहे हैं, या गाय काट दिया, बैल काट दिया, खा गए। तो वो उससे बड़ी भयभीत हो गई वो महिला कि इस किचन में हमारे ऐसा बुला लिया खिलाने के लिए। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। तो उन्होंने मना कर दिया, ना ना मैं अपने किचन में इनको भोजन नहीं कराऊंगी। तब परंपरा ये थी कि लोग भूमि पर बैठकर, हिंदू परिवारों में संस्कार जो मानते हैं, भूमि पर ही बैठकर पालथी मार के भोजन करते थे, ये सिस्टम था, रसोई में परोसा जाता था उस समय। तो मना कर दिया, तो शिव सुब्रमण्या अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड, तो वो परेशान नहीं हुए गुरुजी। उन्होंने क्या किया, नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ पर भी उन्होंने क्रोध नहीं किया गुरुजी, अपने वाइफ पर भी, अपनी पत्नी पर भी क्रोधित नहीं हुए, बट इंस्टेंट बदले में सर्व मी विद हिज ओन हैंड्स, उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे भोजन परोसा, एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और मेरे बगल में बैठकर उन्होंने भी अपना भोजन खाया। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। अब किचन के दरवाजे के पीछे खड़ी होकर और उनकी पत्नी हम दोनों को देख रही थी, हम दोनों जब भोजन कर रहे थे
तो उनकी पत्नी इस घटना को देख रही थी वहाँ से। आई वॉन्डर्ड वेदर सी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। मैं ये सोचता हूँ कि वो क्या देख रही थी। शायद वो ये देख रही थी कि मैं चावल कैसे खाता हूँ, कुछ अलग तरीके से तो नहीं खाता। मैं पानी पीता हूँ तो वैसे ही पीता हूँ जैसे गुरुजी पीते हैं उनके घर में, या अलग तो नहीं। और फिर भोजन के बाद वो जो भूमि थी, जो ज़मीन वहाँ की, उसको जिस तरह मैंने साफ़ की, अच्छे तरीके से साफ़ किया या नहीं, शायद यही सब देख रही होंगी, ऐसा मैं सोचता। व्हेन आई वॉज लीविंग हिज हाउस, जब उनका घर मैं छोड़ रहा था, चल रहा था वहाँ से, चलने लगा, शिव सुब्रमण्या अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। अगले हफ्ते के अंत में उन्होंने फिर मुझको आमंत्रित कर लिया कि अगले हफ्ते फिर आना भोजन करने। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, शिव सुब्रमण्या अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स। तो जब दोबारा इन्होंने इन्वाइट किया तो हिचक रहे थे कलाम, तो लिख रहे हैं ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, जो मेरे अंदर हिचक थी, एक संकोच की भावना थी, इसको देखते हुए ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। उन्होंने कहा परेशान मत हो, चिंता मत करो, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, जब आप किसी सिस्टम को, किसी परंपरा को, पूरी व्यवस्था को बदलने का निश्चय करते हैं, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो ऐसी समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते जब उनके घर में गया, शिव सुब्रमण्या अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, तो उनकी पत्नी मुझे किचन के अंदर ले गई एंड सर्व मी फूड विद हर ओन हैंड्स, और खुद अपने हाथों से मुझे उन्होंने भोजन परोसा और कराया। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर और इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, और फिर भारत की जो स्वतंत्रता थी वो बिल्कुल निकट आ गई, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के कुछ समय के बाद स्वतंत्रता मिली थी, तो महात्मा गांधी ने यह घोषणा कर दी कि भारतीय लोग अपना खुद का भारत बनाएंगे, यानी भारत के निवासी अपने लिए ये देश बनाएंगे कि कैसा देश उन्हें चाहिए। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। अनप्रेसिडेंटेड मतलब एक अभूतपूर्व, जो पहले कभी किसी ने देखा नहीं, सोचा नहीं, एक ऐसा विचार, आशा का विचार पूरे देश के लोगों के अंदर भरा हुआ था, यानी उत्साह था, लोगों के अंदर उत्साह था कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, हमें अपने देश को अपने ढंग से बनाना है, इसका पुनर्निर्माण करना है। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। तो मैंने अपने पिता से परमिशन मांगी, आज्ञा मांगी कि रामेश्वरम छोड़ूँ और जिला मुख्यालय पर, जिसका नाम था रामनाथपुरम, वहाँ जाकर मैं अपने आगे की पढ़ाई करूँ। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स, फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स। अब ये आखिरी पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ है। अब इसमें अपने पिता के बारे में बता रहे हैं कि जब परमिशन मांगे कि हाँ जिला मुख्यालय पर जाकर मैं पढ़ाई कर सकूं, तो ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, ऐसा लगा कि जैसे विचार कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, सोचते हुए, जैसे आदमी ज़ोर से सोचता है, कई बार सोचते सोचते बोलने लगता है, इस तरह उन्होंने कहा कि अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, अबुल मैं जानता हूँ कि तुम्हें बाहर जाना होगा जिससे तुम विकास कर सको, बढ़ सको, आगे बढ़ सको। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। सीगल एक पक्षी होता है, ये समुद्र में उड़ता है और समुद्र में उड़ते हुए ही अचानक उतर के मछलियाँ पकड़ लेता है, लंबी उड़ान भरता है,
तो कह रहे हैं ये भी तो एक पक्षी जैसे उड़ता है अपने घोंसले को छोड़कर बहुत दूर दूर, अक्रॉस द सन, मतलब ऐसा लगता है कि सूरज के आर पार जा रहा है। कहने का अर्थ ये है कि बहुत लंबी दूरी तय कर रहा है। सूरज के आर पार का अर्थ ये हुआ काफ़ी लंबी दूरी तय करता है, उड़ान भरता है, यानी अपने घर को, घोंसले को छोड़ता है। इसी तरह हर व्यक्ति को अपना घर परिवार छोड़ना पड़ता है विकास करने के लिए। ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। हेजिटेंट मदर यानी माँ झिझक रही थी, माँ नहीं भेजना चाह रही थी। तो खलील जिब्रान एक विद्वान हुए, उनका उनकी बात को कोट करते हुए कहा उन्होंने कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे अपने बच्चे तुम्हारे अपने बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ। वो जीवन के बच्चे हैं, अपना उनका जीवन है, उन्हें बांध के नहीं रख सकते, उनका अपना जीवन उन्हें जीने दो। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। तुम्हारे माध्यम से इस संसार में आए हैं, अर्थात माता पिता के माध्यम से बच्चे आते अवश्य हैं, लेकिन ये नहीं माना जाना चाहिए कि माता पिता से ही बच्चे आते हैं, वो कहीं और से आते हैं, ईश्वर की देन है। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स। तुम चाहो तो उन्हें अपना प्रेम दो लेकिन अपने विचार मत दो, फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि उन लोगों के पास अपने स्वयं के विचार होते हैं, या उन्हें अपना स्वयं के विचार बनाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो खुद स्वयं सोच सकें क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत अनुभव कर सकें। अर्थात उनकी माँ को भी उन्होंने तैयार किया कि उन्हें बाहर पढ़ने की अनुमति दे दें। तो यहाँ तक था तुम्हारा ये इस चैप्टर में विंग्स ऑफ फायर से। विंग्स ऑफ फायर मैंने पहले भी बताया इंट्रोडक्शन में कि ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, इन्होंने लिखी है। हिंदी में भी ये पुस्तक है जिसका नाम हिंदी में अग्नि की उड़ान इन्होंने उसका नाम रखा है हिंदी में, बाद में ट्रांसलेट किया गया, मूलतः इंग्लिश में ही इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तो ये पाठ समाप्त हुआ यहीं पर। धन्यवाद।